हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे और कच्चे आलू का बहुत ही मजेदार नाश्ता, जिसे आप टी टाइम स्नैक्स के रूप में या बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल माँ की रसोई अंजू को जरूर सब्सक्राइब करें। कच्चे आलू का ये नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इन्हें अच्छे से धो के छीलकर पानी में डाल दिया है। इन्हें हमें कद्दूकस करना है, तो हम इसी पानी में इन्हें कद्दूकस करेंगे ताकि ये काले ना पड़े। इन्हें कद्दूकस करने के बाद इन्हें 2 से 3 बार साफ पानी से धो लें, जिससे इनका स्टार्च निकल जाए। यहाँ पर देखिए, आलू को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इन्हें साइड में रख देते हैं और एक कढ़ाई को गैस पे गर्म होने रखेंगे। डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों के दाने और 1/2 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। इन्हें हल्का चटकने देंगे। जब ये हल्के चटक जाएंगे, यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली हैं, इन्हें इस तरह बारीक काट लिया, इन्हें डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे धो के छील के खल्लड़ में डालकर क्रश कर लिया है, इसे डाल देंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसे हल्का सा चलाते हुए फ्राई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच तिल लिए हैं सफेद वाले, इन्हें डाल देंगे। इन्हें भी चलाते हुए हल्का सा सेक लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और उसे भी इसके साथ ही हल्का सा सेक लेंगे। मैंने यहाँ फ्लेवर के लिए 8 से 10 करी पत्ता लिए हैं, इन्हें बारीक काट लिया है, इन्हें डाल देंगे। आप इसकी जगह कसूरी मेथी या हरा धनिया भी डाल सकते हैं, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस नाश्ते में। हल्का सा सेकने के बाद इसमें हम यहाँ पर 1 कटोरी पानी डालेंगे। पानी को डालने के बाद इसे मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। जब पानी में हल्के बबल्स आने लगेंगे, हमने जो कद्दूकस करके आलू रखे हैं उन्हें डाल देंगे पानी से निकालकर। इसी के साथ यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब कच्चे आलू को उबलते हुए पानी में हमें यहाँ पर 80% तक पकाना है। इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने आलू को यहाँ पर कद्दूकस करके लिया है। और देखिए, आलू के लच्छे लगभग यहाँ पर 80% तक गल चुके हैं। अब हम यहाँ पर जिस कटोरी से हमने इनमें पानी डाला है, उसी कटोरी को भरकर हम यहाँ पर आटा डालेंगे। आप यहाँ पर कोई भी कफ कटोरी सेट कर लीजिए, उसी के हिसाब से डालें। आप यहाँ पर जिस बर्तन से आटा डालेंगे, उसी को भरकर पानी डालेंगे। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बैठेगा। गैस को यहाँ पर स्लो कर दें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि इनमें गुठलियां ना बने। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को यहाँ पर बंद कर दीजिएगा और इसे ठंडा होने के लिए किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। डो को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद इसे हल्का ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा, इसे हाथ से मसलते हुए डो को एकदम चिकना कर लेंगे। अगर आपके ये हाथों में थोड़ा चपकता है, तो आप यहाँ पर तेल लगा लीजिएगा। और देखिए, हमने इसे मसलते हुए एकदम चिकना कर लिया है। बहुत ही अच्छा हमारा डो बन के तैयार हुआ है। यहाँ आप यहाँ पर कोई भी थाली या ट्रे ले लीजिएगा, उस पर इस तरह तेल लगा लेंगे और इस डो को उस पर डाल के हथेली से इस तरह दबाते हुए थोड़ा फैलाएंगे। इसे थोड़ा सा हाथ से फैलाने के बाद बेलन की सहायता से हम इसे बेल लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर ये इसकी बड़ी रोटी बना के तैयार कर लिया है। हमें इसे एकदम चौकोर शेप में बनाना है, तो उसके लिए या तो आप चाकू से इसके साइड वाली कटिंग काट दीजिए, जिससे ये एकदम चौकोर हो जाए, या मेरी तरह इस तरह हाथ से दबाते हुए इसे एकदम चौकोर कर लेंगे। इसे लगभग 1/2 इंच मोटा रखा है। इसे इस तरह चौकोर करने के बाद चाकू की सहायता से आप इसे काट लेंगे। मैं यहाँ इसे ब्रेड पकौड़े की शेप में काटूंगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर इसे कैसे भी काट सकते हैं। तो चाकू से मैंने इसे 3 भाग में इस तरह बांट लिया है। इसके बाद मैं इसे, जिस तरह हम ब्रेड पकौड़ा के लिए ब्रेड की कटिंग करते हैं, उसी तरह मैं यहाँ इसे काट रही हूँ। और देखिए, बहुत ही आसानी से इनके पीस कट जाते हैं। इन्हें काटने के बाद मैं आपको इन्हें निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाते हैं और हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा इनसे बन के तैयार होगा। हमने इन्हें अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब तेल को गैस पे गर्म होने रखेंगे। आप चाहें तो इन्हें कम तेल में भी सेक सकते हैं। मैं इन्हें यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ। तेल का टेम्परेचर मीडियम रखेंगे और गैस को हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे।
जितनी एक बार में आसानी से आ सके उतने ही हम डालकर यहाँ पर सेक लेंगे। थोड़ी देर हमें इन्हें ऐसे ही सिकने देना है। जब इनका हल्का कलर चेंज होगा इन्हें इस तरह पलट देंगे और इन्हें अलटते पलटते हुए हल्का सुनहरी होने तक तलेंगे। और जब ये हल्के सुनहरी और क्रिस्पी हो जाएंगे इन्हें कढ़ाई से अलग निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ ये एकदम क्रिस्पी सिक्के तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई से अलग निकाल लेंगे। इन्हें इस तरह झारे में रखेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। और देखिए ये बिल्कुल ऑयली नहीं लगते। इसी तरह बचे हुए नाश्ते को भी सेक के तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में इन्हें डालने के बाद हल्का इन्हें सिकने के बाद ही इन्हें पलटेंगे। उसके बाद इन्हें अलटते पलटते हुए हल्का सुनहरी होने तक और अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। देखिए ये भी अच्छे से सिक के तैयार हो गए हैं। अब इन्हें भी कढ़ाई से अलग निकाल लेते हैं। नाश्ता हमारा बनके तैयार है तो चलिए सर्व कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे ये सिक्के तैयार हुए हैं। और इस नाश्ते को आप बहुत ही कम समय में बना के तैयार कर सकते हैं। आप इन्हें चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ कैसे भी खाएं, सबके साथ खाने में ये बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत ही क्रिस्पी ये बनके तैयार होते हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही बेहतरीन लगता है ये नाश्ता। आप अगर समोसे पकौड़े खाने के शौकीन हैं तो एक बार इस नाश्ते को जरूर बना के देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।